म्यूजिक गाइड पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ट्यूटोरियल सॉन्ग है फिल्म यहूदी से, जिसके गायक हैं मुकेश जी और ये फिल्माया गया है दिलीप कुमार जी पर। तो गाने के बोल हैं, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत कैसे हो। तो दोस्तों, आइए इस सॉन्ग को हम तैयार करें। इसमें लगने वाले स्वर की बात करूं दोस्तों, तो इसमें हमारा मंद सप्तक में शुद्ध धा और कोमल नी का प्रयोग होगा, और लोअर ऑक्टेव की बात कर रहा हूं मंद सप्तक की। दोस्तों, मंद सप्तक में हमारा शुद्ध धा और नी का प्रयोग होगा, और मध्य सप्तक में मिडल ऑक्टेव में हमारा सा रे गा मा पा धा नी, और ये हायर ऑक्टेव में तार सप्तक में सा और रे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें, यानी कि दोनों नी का प्रयोग है इसमें, मध्य सप्तक में शुद्ध नी का और मंद सप्तक में या लोअर ऑक्टेव में कोमल नी का प्रयोग है। तो दोस्तों, इस सॉन्ग में मुखड़े की पहली लाइन है, ये मेरा दीवानापन है, मंद सप्तक का धा और नी। और दोस्तों, अभी मैं जो सामने नोटेशन दे रहा हूं इसकी लिखित में, इसमें जो हमारे मंद सप्तक के स्वर होंगे उनसे पहले माइनस का निशान होगा और हायर ऑक्टेव में प्लस का निशान होगा, और जो कोमल स्वर होंगे वे कैपिटल में होंगे और जो शुद्ध स्वर हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे। ये मेरा दीवानापन है। या मोहब्बत का सरूर, दो बार बजते हैं दोस्तों, ये दोनों लाइन दो बार बजेंगे। तू ना पहचाने तो है ये पापा पापा, तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। आइए दोस्तों, इसके अंतरे की तरफ चलें। उस बीच में आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं, और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जल्दी जल्दी चलते हैं अंतरे की तरफ। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, ये दो बार प्ले होती है दोस्तों। तो दिल को है तेरी ही तमन्ना, तो ये हायर ऑक्टेव के सांस है। दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए, हायर ऑक्टेव का रे। हम करेंगे इंतजार, फिर इसमें मुखड़ा जुड़ जाएगा, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सरूर, तू ना पहचाने तो ये है ये, तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, जिसकी मैं नोटेशन पहले आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।